आज नवरात्रों में भगवान जी की 29/2/2000 की वाणी है, इसलिए दे रही हूँ। शायद इन दिनों इतनी ऊर्जा है संसार में, पूरी शक्तियां धरती पर है, तो शायद एक ज्ञान जो उच्च कोटि का हमें लास्ट अवस्था का मिला है, इसी ऊर्जा में हम और उसको पक्का कर लें। प्रेमी भगवान, वृक्ष की जड़ मजबूत होती है तो उसके ऊपर फल फूल लगते हैं अच्छी तरह से। भगवान, मनुष्य की जड़ कौन सी है? सुनिए भगवान जी ने क्या जवाब दिया। वो तो पाताल तक आत्मा समझे, देह को अलग करें ताकि कभी कोई हमको हिला ना सके संसार की बातों में। समझ आइए, घर में परिवार में हम रह रहे हैं, हमारी देह इतनी हम ऊपर उठ जाए आत्मा में हो कि घर की संसार की बातें हमको हिला ना सकें, इतनी जड़ें मजबूत होवे जो कोई हिलाए तो हम हिल ना सके। ये है जड़ फाउंडेशन। ये भी मालूम होना चाहिए कि जितना वृक्ष ऊपर है उतना नीचे भी जाएगा। समझो, जे तुम काटना चाहो तो महीना लग जाएगा पर वो नहीं कटेगा। पत्ते भले हिले पर फाउंडेशन तो मजबूत होनी चाहिए ना, है ना? तो जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो वो कैसी होगी? हमारा चरित्र पर डिपेंड करता है। भगवान जी ने क्या बोला, फाउंडेशन मजबूत हो। जिसके पास चरित्र है उसका ही सारा व्याख्यान है। अभी दादा भगवान का चरित्र, भगवान जी का चरित्र, ये तो हमारे सामने आइडियल है ना। फिर राम का चरित्र जो आज 5-7 हजार साल पहले से भी लोग पढ़ना और सुनना चाहेंगे उनकी कथा, है ना? हरी चर्चा होती ही रहती है। अभी ये फाउंडेशन कैसे करना है, ये जो मैंने भगवान जी का क्वेश्चन उसका आंसर समझा। बच्चों का फाउंडेशन क्या है, माँ बाप के ऊपर है कि वो कैसे उनको बनाते हैं, दीक्षा दिलाते हैं बच्चों को, नहीं खुद दीक्षा लेते हैं क्योंकि उसमें मांस मछली अंडा सब छोड़ना पड़ता है। तो उसमें फिर वो पीछे रह जाते हैं, फिर संतों के पास ले जाते हैं उनको कि आप इनके ऊपर सर पे हाथ रखो। बर्बादी माँ बाप करें, फिर संत आके हाथ रखे और वो लगेगा कैसे? जैसे एक रबड़ है या प्लास्टिक का कोई वस्त्र मैंने पहना है, अगर उसमें बिजली का करंट लगता है तो मुझे हार्ट नहीं होगा, बिजली नहीं लगेगी। तो ये रीजन है, अगर मेरे पास अस्त्र वस्त्र है, मेरे पास चरित्र है तो मेरी महानता है उधर, तो भगवान जी का ज्ञान भी लगेगा। रावण कितना नेगेटिव था, राम के चाहने पर भी बड़ा भगवान थोड़े कभी उल्टा पुल्टा सोचते हैं। कंस के लिए रावण के लिए उन्होंने चाहते हुए भी रावण को नहीं मारना था, लेकिन उसकी वाइब्रेशन कुछ नहीं हुआ, उसका रावण का भला नहीं हुआ, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। वो वाइब्रेशन ही नहीं पहुंचेंगे। ऐसे हम गुरुओं के पास आते हैं, हमें जितनी श्रद्धा होगी उतनी उनकी वाइब्रेशन हमारे जहां तक पहुंचेंगी। जब तक मन में इतनी मैल होगी वो आवाज सुनी नहीं जाएगी। सत्संग में बैठेंगे लेकिन आवाज ही नहीं जाएगी। किसी की पॉजिटिव ऊर्जा नहीं जाएगी जब तक हमारे अंदर इतना रावण जैसा बुद्धि होगा। जैसे कोई गट्टर है, उसके वहां कितना भी परफ्यूम आप छिड़क दो क्या बदबू जाएगी? जब तक पूरा गटर अंदर से साफ नहीं हो। ऐसे ही सत्संग हाल में हमें वो एग्जाम्पल देते थे, कुएं से स्मेल आ रही थी, भास आ रही थी और पूरा कुआं साफ कर दिया, लेकिन वो बिल्ली मरी हुई थी उसके अंदर। वो बिल्ली जब तक नहीं निकालते तो भास थोड़ी जाती। ऐसे हमारे अंदर राग द्वेष नफरत ये सब नहीं निकलेगी तो हमारे से सुगंध कहाँ से आएगी कि हम किसी के गुरुओं वाले हैं, हम साध संगत है, हम साध संगत में रहते हैं। साध संगत से कितना भला होता है हमारा।
वहाँ लड़ाई झगड़ा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। उसी से हम उभरते हैं आगे, जैसे बच्चे संसार में चलते हैं ऐसे हम गुरुओं के पास आके साथ संगत में रहते हैं, फिर हमारा उद्धार होता है। ऐसे पेरेंट्स कितना बर्बाद, पेरेंट्स को कितना जरूरी है ये सब समझना इस चीज को कि बच्चों की देखभाल कितनी करनी है। फिर तुम नम्र अगर जाओ उनके पास, गुरुओं के पास, तो उनके आशीर्वाद भी लगेंगे। ये जो आजकल नवरात्रों में रामायण कथा चल रही है सब जगह पे, ये क्या है? वे उन्होंने ब्रह्मा जी ने उधर से जन्म लिया ना, नाभि से, नारायण की नाभि से, फिर उनको बोला अभी तुम उल्टी करो। उन्होंने उल्टी करा तो क्या हुआ, उनके मुख से उनकी तपस्या का सारा फल निकला, वेद निकले, शास्त्र निकले। हम उल्टी करें, सुबह नाश्ता खाया हो उल्टी करें तो क्या निकलेगा? शेर जा रहा है अपने बच्चे के लिए, चिड़िया जा रही है बच्चे के लिए, बिल्ली जा रही है अपने बच्चे को खिलाने के लिए, वो उसका ही बच्चा बनेगा। बिल्ली का, शेर का, चिड़िया का, चिड़िया का। हम भगवान जी के बच्चे हैं, कम से कम उनके सहसा तो हो जाए, कम से कम। जब बेटे बड़े हो जाए तो बाप चाहता है कि वो अभी कमा कर मुझे दे, परमात्मा भी चाहता है कि मैंने जो दिया है वो वापस में मुझे बताएं कि मैंने क्या लिया है। राम ने भी, कृष्ण ने भी जाते हुए दुनिया से ये उपदेश दिए थे बच्चों को कि हम हमारी परंपरा जो छोड़ के जा रहे हैं वो लागू रहे। ऐसे भगवान जी की परंपरा है हम सारे, वो कंटिन्यू रहे। जो मनु और शत्रुता थे, उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने बार बार थोड़े, बच्चे करोड़ों बच्चे थे उनके, कितना उन्होंने ज्ञान तप दिया। अभी वो तंग भी आ चुके थे, कितनी दुनिया को दिया मनु ने। बाद में उन्होंने बोला अभी दोबारा तप करके क्या मांगा, हमें अपना दाम दे दीजिए, अभी हमको और संसार नहीं बसाना है। इतनी तपस्या करी, इतने करोड़ों बच्चे थे, लेकिन शांति नहीं थी। जैसे अभी हम तंग आ जाए, भगवान बस एक बार ही हमें अपना निभाएं और खत्म करें, फिर आपके बिना हमने जन्म नहीं लेना है, गुरु के साथ ही पैदा होना है जहां भी गुरु होगा। ऐसे मनु और शत्रुता ने ऐसे करा और बोला अभी हमें अपना धाम दीजिए। तो अयोध्या जो है वो भगवान राम का धाम है, हृदय है। उन्होंने मनु को अपना हृदय दे दिया था, इसलिए बोलते सब खत्म हो जाएगा लेकिन अयोध्या खत्म नहीं होगी। इधर शादी में कुंडली मिलाते हैं लड़के लड़की की, कितना कितना कुछ करते हैं, कितने फेरे लिए जाते हैं, फिर भी सब बिखर जाता है। कितने छोटी छोटी गलतियों से जीवन बर्बाद हो जाता है। और भगवान फाउंडेशन कैच करवा रहे हैं, कैच द फाउंडेशन, ज्ञान की फाउंडेशन, कि हम मजबूत जड़े हमारी कैसे हो। भगवान जितना अहंकार पक्का है उतनी हमको देह ध्यास की जड़े पक्की हैं। भगवान पक्की हैं, अंदर नहीं गए कि अपने को पहचाने, अपना ही अभ्यास करें, अपना ही चिंतन करें, और पर चिंतन कोई भी नहीं। दूसरे की बात करने में कान खड़े कर देते हो, हमें किसी की बात नहीं करनी है ना सुननी है, अपने में ही गुम रहे जिधर भी जाए। कितने प्यारे भगवान जी की वाणियां हमें इन नवरात्रों में, हम कितना कितने गुना ऊपर उठ सकते हैं। एक ने क्वेश्चन करा है गुरु भक्ति अंदर से होनी चाहिए या बाहर से, भगवान बोलते बाहर से होनी चाहिए, आरती उतार ये सब कर, कैसे सवाल करता है एक एक जना। अंदर से तू मेरे को सब में देख, वो है गुरु भक्ति, तुम देखते नहीं है तो बाकी गुरु भक्ति कैसे हुई है? कैसे कैसे जवाब है। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी का, रोज के रोज आशीर्वाद बरस ही रहे हैं। होप हम सब जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं। हरिओम। लेके पूजा के थाली जोत मन की जगाले, तेरी आरती उतारो बोले माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का। Oh
लहते रहते रे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया, यही काम ना लेकर मैया द्वार तेरे वाने का सारा तेरे चरणों पे बारू बोली माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं थी जन्मों से कर दिया मालमान, रहे जब तक प्राण करो तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारो बोली माँ, तुझो दे दे से सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे बा